है देवराज नहीं रहा, काफी कोशिशें की गई लेकिन आखिरकार जिंदगी की जंग वो हार गया। तस्वीरें आप लगातार फर्स्ट इंडिया के माध्यम से दिखा रहे हैं इस खबर पर, हर एक पल की अपडेट भी, और ये खबर इसीलिए जरूरी हो जाती है क्योंकि समाज को बच्चों को किस दिशा में आगे लेकर जाना है, किस तरह की सोच उन्हें देनी है, ये सोच कहीं ना कहीं संस्कृति जिस तरह से हमारी है जो कहती है जियो और जीने दो, लेकिन मामूली सी बात पर अगर इस तरह की घटनाएं होने लगेंगी तो फिर कैसे कोई जिएगा और कैसे फिर किसी को जीने देगा। हमारे साथ रवि लगातार जुड़े हुए हैं। रवि, सुबह से तस्वीरें आपके जरिए दिखा रहे हैं क्योंकि आज ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर इसलिए क्योंकि समाज को एक सीख भी खबर देती है कि किस दिशा में बच्चों की अपब्रिंगिंग करनी है, किस तरह से आगे उन्हें वैल्यूज देने हैं जिससे वो दूसरों की जिंदगी की कद्र करे, भले वो जीव हो, वो मनुष्य हो या फिर वो जानवर हो, हर एक जीव कीमती है। ये सबक तो इस घटना के बाद बड़े स्तर पर मिला है रवि। तो देखिए तस्वीरें आप फर्स्ट इंडिया पर लगातार सुबह से देख रहे हैं। घर से कड़ी सुरक्षा के बीच देवराज अपने अंतिम सफर पर निकला है, लेकिन अंतिम सफर इसलिए बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि आप समझ सकते हैं कि इससे बड़ा दर्द और कुछ हो नहीं सकता। जब पिता के कंधों पर उसके पुत्र को ले जाया जा रहा है, वो अपने अंतिम सफर पर है और आयु कितनी, मात्र 15 वर्ष। 15 साल की आयु किसी के जाने की आयु नहीं होती, लेकिन हर एक घटना एक सबक, एक सीख देकर जाती है, कई सारे सवाल अपने पीछे छोड़कर जाती है। लगातार बातें होती है, बातें दब जाती है, फिर एक नई घटना होती है, बातें फिर से निकल कर आती है, लेकिन ये ठान लेना, ये कोशिश करना कि आज जो इंसान सिर्फ इतनी सी बात के बाद, सिर्फ मामूली सी कहासुनी के चलते अगर अपनी जिंदगी को खत्म कर बैठ, अगर उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, अगर 15 साल की उम्र में उसके परिवार पर इतना बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। प्रशासन अपने स्तर पर हर कोशिश कर रहा है भले ही, लेकिन जो वॉइड है उसे कभी फिल नहीं किया जा सकता जो एक इंसान के परिवार से चले जाने के बाद होता है। रवि हमें सुबह से लगातार हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं। रवि, बहुत मुश्किल है इस तस्वीर को एक्सप्लेन भी कर पाना क्योंकि लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, लेकिन एक क्षण ऐसा आएगा रवि जब ये परिवार इन सभी दुखों के साथ, भले वो 12 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद अपने दुखों के साथ अकेला हो जाएगा। रवि, यही नियति है और यही क्षण ये सीखने का है समाज के लिए भी कि किस तरह से दूसरों की जिंदगी को वैल्यू किया जाए, इंसान हो, मनुष्य हो या फिर वो जानवर हो, जिंदगी की वैल्यू इस हादसे, इस घटना ने सिखाई है। रवि, देखिए जयती, एक तो अपडेट मैं कर दूं, ये जो अंतिम यात्रा है ये अशोकनगर पहुंच चुकी है और बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो इसमें मौजूद हैं। सांसद, विधायक, तमाम जो वरिष्ठ अधिकारी हैं पुलिस और प्रशासन के, वो सब लोग यहाँ हैं। अन्य जनप्रतिनिधि हैं, विभिन्न सर्व समाजों के संगठनों के पदाधिकारी हैं, अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए जो भी राजनीतिक जो व्यक्तित्व हैं वो यहाँ पर हैं। कुल मिलाकर हर कोई जो है, क्योंकि ये मौका जो है ये इसी बात का है कि ऐसा एक दृश्य, ऐसा एक स्वरूप निकल कर आए कि हर कोई अपनी अपनी विचारधाराओं को, अपनी आपसी लड़ाइयों को, आपसी मतभेदों को बुलाकर देवराज के परिवार के साथ खड़े हुए हैं। और ये चीजें जो है वो यहाँ पर दिखाई भी दे रही हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ मौजूद हैं। अंतिम यात्रा अशोकनगर शमशान पहुंच चुकी है। जो भी तमाम जो हिंदू मान्यताओं के अनुरूप आत्मा की शांति के लिए जो भी रिचुअल्स हैं, जो रीति रिवाज हैं, वो यहाँ पर शुरू हो रहे हैं और थोड़ी ही देर में जो देवराज है उसकी अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। और ये जो बड़ा दुख भरा ये मंजर है, बड़ा दुख भरा ये नज़ारा है, और इस तरह की स्थितियाँ जो है किसी परिवार के साथ कभी ना हो, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि कोई परिवार इस तरह के दुख से ना गुजरे।
कोई माँ बाप इस तरह का समय उनके जिंदगी में ना आए जब उनका एक आंखों का जो तारा होता है, जो चिराग होता है घर का, तमाम तरह के शब्दों का इस्तेमाल उस बच्चे के लिए, उस पुत्र के लिए किए जाते हैं, उनकी पीढ़ी को बढ़ाने वाला होता है, उनके नाम को रोशन करने वाला होता है, उनकी आकांक्षाओं को, उनकी अपेक्षाओं को सुदूर तक ले जाने वाला होता है, उनके बुढ़ापे का सहारा, उनके बुढ़ापे की लाठी होता है। ऐसे तमाम तमाम जो शब्द जो हैं, जो हम सुनते हैं, कहते हैं, बोलते हैं, ये तमाम चीजें जो हैं वो उस परिवार पर जो आज बीत रही है, वो जो उसके माँ बाप की जो मनोदशा होगी, उसकी बहन की जो मनोस्थिति होगी, उसको समझ पाना बेहद बेहद मुश्किल है, बड़ा चुनौती भरा है कि उस चीज को कोई समझ पाए कि किस दौर से वो परिवार गुजर रहा है। जी रवि, इस घटना के सामने आने के बाद में जिस तरह की स्थितियां बनी और उसके बाद में जो कोशिशें की गई थी प्रशासन की ओर से, भले ही वो बुलडोजर कार्रवाई की कोशिशें हो या फिर अब लगातार जिस तरह से स्थितियों को कंट्रोल में करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, भूमिका बहुत ज़्यादा बड़ी है, जिसका डिस्कशन भी अभी हमने कुछ देर पहले आपके साथ किया, लेकिन कहीं ना कहीं जहनी तौर पर अगर इसे देखा जाए रवि, तो ये दूसरी दफ़ा इन कुछ सालों में एक बार फिर से ये फेस किया है उदयपुर ने। उदयपुर तो शांतिप्रिय शहर कहा जाता है रवि, झीलों की नगरी है, लोग लगातार पहुँचते हैं, लेकिन कन्हैयालाल का हत्याकांड जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, और फिर देवराज की ये मौत, देवराज की मौत भी सवालों के साथ में, अपने आज अंतिम सफर के बाद, अंतिम संस्कार के बाद भी कई सारे सवालों के साथ अभी भी बरकरार है कि लोगों की टेंडेंसी पेशेंस लेवल को लेकर इतनी कम क्यों हो गई है रवि, कि थोड़ी थोड़ी बातों पर, बीती घटना भी बहुत मामूली सी बात पर थी, ये घटना भी बिल्कुल मामूली सी बात पर है, कुछ ऐसा था ही नहीं जिस वजह से ऐसा हो जाए, तो लोगों में अब क्या वो दौर अभी हम मानकर चले आ गया है जब काउंसलिंग वर्ड को बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर देना चाहिए, भले वो स्कूल्स पर हो, वो कॉलेजेस पर हो, या फिर ऐसे किसी इंसान पर जो डिप्रेशन का शिकार है, अगर इस पर खुलकर बात करें तो? बिल्कुल, देखिए जयती, दो चीजें हैं। पहली ये कि उदयपुर की जो मखमली खूबसूरती है, यहाँ का जो नैसर्गिक सौंदर्य है, मैं कहूंगा उसको शायद किसी की नजर लग जाती है। जिस तरह की उदयपुर की खूबसूरत खूबसूरत वादियां हैं, यहाँ के जो नैसर्गिक नजारे हैं, वो दुनिया भर के सैलानियों के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए बेहद आकर्षण का केंद्र रहते हैं, सम्मोहन का केंद्र रहते हैं। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि किसी चीज को नजर भी लग जाती है, और शायद ये नजर जो है वो उदयपुर की खूबसूरती मनी है, जो यहाँ की गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको शायद लगी है, और यही वजह है कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो उदयपुर वासियों को देखनी पड़ रही हैं। कोई नहीं चाहता इस तरह की घटनाओं से कभी कोई गुजरे, कोई शहर इस तरह की घटनाओं का साक्षी बने, कोई शहर जल जाए, कोई शहर जल उठे, कोई शहर तनाव के हालातों से गुजरे, ये कोई शहर, उसका रहने वाला नागरिक, वहां का प्रशासन कोई नहीं चाहता। लेकिन जैसा आपने कहा कि जो हालात हैं, जो मनोस्थितियां हैं, जो साइकोलॉजिकल जो प्रॉब्लम्स हैं, चाहे किसी की एंजाइटी है, डिप्रेशन है, नो मेंटल हेल्थ है, और ये जो घटनाएं हैं इसका, चूंकि मैं मनोविज्ञान विषय का छात्र भी हूँ, और मेरा व्यक्तिगत तौर पर ऐसा मानना है कि जो मेंटल हेल्थ का जो लेवल है लो, वो बेहद कमजोर हो रहा है। जी, जी। वेलबींग जो है जीवन से दूर जा रही है, लोग उस खुशहाली को, जो मानसिक खुशहाली जो है उसको तलाशने की बजाय जो है इस तरह की घटनाओं में अपने आप की संलिप्तता जो है वो कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो वैश्विक परिदृश्य है और जो सामाजिक ताना बाना है, उसका बड़ा अंतर जो है वो सबको समझने की जरूरत है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, एक ऐसी संस्कृति का जन्मदायक है जिसने पूरी दुनिया को तहजीब और संस्कार जो है वो सिखाए हैं। तो उस तहजीब और संस्कार को फिर से पुनर्जीवित करने की आवश्यकता कहीं ना कहीं
हम मनोविज्ञान में महसूस करते हैं कि जो हमारे धर्मशास्त्र हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, उन्होंने जो हमें चीजें सिखाई हैं, हम आज के इस दौर में जो बेहद ही चुनौतियों भरा है, बेहद ही गंभीर समय है, उसमें हम तमाम धर्मशास्त्रों के महत्वपूर्ण आयामों को शामिल करें, अपनी जिंदगी में उन चीजों को शामिल करें, उनसे प्रेरणा लें। हमारे देश ने जिस तरह के आदर्श पुरुष, आदर्श महापुरुष जो है वो दुनिया भर में जो कि एक आदर्श का सबसे बड़ा चेहरा होते हैं, भारतीय महापुरुषों ने पूरी दुनिया भर में ऐसे आयाम स्थापित किए। तो ये जो तमाम चीजें हैं उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है कि भारत की जो संस्कृति है वो आपसी सौहार्द, आपसी भाईचारे की संस्कृति है। इस संस्कृति ने हर हर धर्म को झोली फैलाकर, बाहें फैलाकर अपनाया है, हर हर धर्म को प्रश्रय दी है, और कोई भी धर्म हो वो इस देश में, इस भारत देश में अच्छे से फला फूला। तो इन तमाम चीजों को समझने की बहुत जरूरत है, आध्यात्मिक तौर पर अंतर चेतना जागृत करने की जरूरत है कि मानवीय मूल्यों को हम किस तरीके से समझें, उनको किस तरीके से अंगीकार करें, उन मानवीय मूल्यों का किस तरीके से प्रदर्शन करें। वो मानवीय मूल्य जो है वो सिर्फ दिखावा ना हो, वो सिर्फ इस बात का द्योतक ना हो कि हम महान हैं इसलिए उन ऐसे विचार रखते हैं, बल्कि हमें इस बात को सोचना होगा कि हम एक ऐसे देश के नागरिक हैं, हम एक ऐसे जन्म, एक ऐसी भूमि पर जन्मे हैं जिसने सदियों तक, जिसने हजारों हजार साल तक पूरी दुनिया को सभ्यता सिखाई है, पूरी दुनिया को संस्कृति सिखाई है। तो ये भाव जब तक मन में नहीं आएंगे, पारिवारिक जो ताना बाना है, पारिवारिक जो स्थितियां हैं, आप देखते हैं कि पूरी यहाँ तक कि भारत भी जो है आज उस दौर से गुजर रहा है जब परिवार जो है वो लगातार टूट रहे हैं, छोटी छोटी चीजों पर, छोटे छोटे विचारों पर परिवार टूट रहे हैं, परिवार छोटे होते जा रहे हैं, वो संयुक्त परिवार की परंपरा, वो प्रणाली जो है वो लगभग खत्म होने को है। तो ऐसी स्थितियों में किसी भी व्यक्ति की मनोस्थिति जो है वो खराब हो जाती है, वो जो है मजबूत नहीं रहती। तो इसमें परिवार का योगदान सबसे पहला है, और ये जो घटना जो हुई है, दो छोटे बच्चे जो है, और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ कि परिवार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी इस तरह की घटनाओं में अपने बच्चों को कंट्रोल करने की, कि कोई बच्चा जो है, माँ और बाप जो है, माता और पिता जो है, वो अमूमन अपने बच्चे का बैग चेक करते हैं, बैग में किताबें सुसज्जित हैं या नहीं, कॉपियां हैं या नहीं, उसके टिफिन और बोतल है या नहीं, बच्चा आ, आ, जो है अच्छे से सारी चीजों को अपनी संरक्षित करता है या नहीं, ये चीजें जो माँ बाप चेक करता है। लेकिन एक माता और पिता ने अपने बच्चे के बैग में चाकू नहीं देख पाए, तो ये कहीं ना कहीं उस परिवार की कमजोरी रही, उस परिवार का एक दायित्व जो है वो निर्वहन करना था, जो शायद वो नहीं कर पाए, और उसी की परिणति है, क्योंकि बाल मन जो है, ये जो किशोर जो है जयती, ये बेहद चुनौतीपूर्ण जो है स्थिति होती है, क्योंकि इस अवस्था में हार्मोन चेंज जो है वो बच्चों के हो रहे होते हैं, उनको एक अच्छे गाइड की, और जो आपने कहा कि एक अच्छे काउंसलर की आवश्यकता होती है जी। यही वजह है कार्य जो है वो काउंसलर नियुक्त कर रही हैं। उसका बड़ा कारण भी यही है कि इस परिस्थिति के जो बच्चे हैं वो अगर परेशान हैं तो वो तो काउंसलिंग के लिए किसी काउंसलर के पास जाए और उससे निर्देशन प्राप्त करें कि किस तरीके से जो परेशानियां, जो मनस्थिति उनकी है उसको वो किस तरीके से कर पाए। तो ये जो तमाम चीजें हैं ये बेहद और इसमें सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है तो वो परिवार का है, माता पिता का है, कि उन्हें अपने बच्चों पर इस तरीके से लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनको समझाने की आवश्यकता जरूर है कि ऐसी जो गतिविधियां हैं उनमें किसी भी सूरत में वो लिप्त ना हो, किसी भी सूरत में ऐसी गतिविधियों का वो हिस्सा ना बने। बिल्कुल रवि, आप ठीक कह रहे हैं और काफी अच्छे से आपने इस चीज को विश्लेषित भी कर दिया है रवि, क्योंकि परिवार का जिक्र आपने किया, परिवार के महत्व की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन रवि ये बताइए, क्योंकि पूरा हमने ये सफर 4 दिनों का देखा,
मीडिया में भी बहुत सारी हलचली रही, अफवाहों का दौर भी शुरुआती दौर में देखा, लेकिन उसके बाद में कहीं ना कहीं कोशिश इंटरनेट बंदी के बाद में उसे बहुत सीमित हद तक करने की कर दी गई। लेकिन अभी परिवार के बैकग्राउंड को लेकर के, क्योंकि एक बच्चा जो सपनों में खोया हुआ था, आंखों में उसके सपने होंगे पढ़ने के, आगे बढ़ने के, आप बता रहे हैं कि बहुत टैलेंटेड था देवराज, लेकिन ये बताइए रवि की परिवार की स्थिति किस तरह की है, बैकग्राउंड कैसा है, क्या कोशिशें परिवार के लिए और की जानी चाहिए समाज के स्तर पर भी। प्रशासन तो अपना काम कर ही रहा है, समाज को भी आगे आना होगा, सिर्फ साथ में इस तरह से नहीं बल्कि परिवार को सुदृढ़ करने के लिए भी बहुत मुश्किल है उनके लिए समय। बिल्कुल, देखिए जयती, अगर देवराज के परिवार की बात की जाए तो बेहद ही गरीब परिवार का ये बालक है। इसके जो पिता है वो अभी कुछ दिनों पहले ही उन्होंने उदयपुर में भी अपना व्यवसाय करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली जी। और इसके बाद उनके परिवारजनों, समाजजनों ने मिलकर उन्हें थोड़े दिनों पहले ही कुवैत जाने के लिए पैसे जुटाए थे। हाँ। और इसके बाद वो जो पिता है वो इस आस में दूसरे देश में जाके उन्होंने नौकरी की कि अपने परिवार को एक अच्छी पोजीशन में वो ला पाएंगे, अपने परिवार का अच्छे से भरण पोषण करने में वो सहायक हो पाएंगे। और इसी भाव के साथ में देवराज के पिता थोड़े दिनों पहले ही, कुछ महीनों पहले ही कुवैत गए थे। तो बेहद आर्थिक तौर पर बेहद असक्षम, मैं कहूंगा बेहद गरीब परिवार जो है, वो जैसा हमारे पास जानकारी है बेहद गरीब परिवार है। माता पिता और उनके दो जो बच्चे हैं, जिसमें एक देवराज था और एक उसकी बहन है छोटी सुहानी जी। तो ये जो परिवार है, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है। और यही वजह रही कि कल जो विभिन्न समाजों के जो लोग थे और जो भी लोग उस वार्ता में शामिल थे, उन्होंने इस बात पर बहुत गंभीरता से इस बात को उठाया कि इनके आर्थिक तौर पर इनको संबल देने की बहुत जरूरत है। हालांकि समाज के लोग जो है वो पूरी मदद करेंगे और जो अन्य समाज के लोग हैं वो भी हर मदद के लिए तैयार हैं, लेकिन एक बार जो प्राथमिक तौर पर मदद मिलनी चाहिए ताकि परिवार जो है वो इस दुख की घड़ी में, इन हालातों में कहीं टूट ना जाए। तो ऐसे में देखिए जयती, एक चीज और भी है कि ये जो मुआवजा है, ये जो मुआवजा राशि है, ये तमाम चीजें देवराज का ऑप्शन नहीं हो सकती है उस परिवार के लिए और कभी नहीं हो सकती है। लेकिन काफी हद तक उनकी जो परिस्थितियां हैं उनको ठीक करने में, उन हालातों से निपटने में थोड़ा मददगार जरूर साबित होंगी जी। यही वजह है कि उनके परिवार के एक सदस्य को संविदा नौकरी की जो बात थी, ताकि एक नियत जो रोजी रोटी की जो है वो उनकी हो सके। और देखिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी जिंदगी में और भी देवराज के परिवार के सामने होगा कि जो आरोप, उसको कड़ी सजा दिलाए जाने को लेकर देवराज की जो माँ है वो लगातार कल से जब से घटना हुई है तब से लगातार वो बड़ी मांग कर रही हैं। मांग उनकी जो आरोपी है उसको फांसी देने की भी है, लेकिन चूंकि कानूनन जो भी कानून सम्मत जो कार्रवाई हो सकती है वो अमल में लाई जाएगी। तो ऐसे में माँ का अपना दिल, उसका नजरिया, माँ का नजरिया बिल्कुल अलग होता है अपने बच्चों को लेकर। तो माँ की ये डिमांड है कि जो भी सजा है वो कड़ी सजा मिले। तो ये तमाम चीजें जो है अपनी जगह पर है, लेकिन आर्थिक तौर पर इस परिवार को मजबूत करने की बेहद जरूरत है भी और थी भी, और यही वजह है कि ऐसी मुआवजा राशि तय की गई। इसके अलावा के समाज के उन्होंने भी इस बात का भरोसा जताया है, वो भी इस परिवार की हर संभव मदद करेंगे जी।
रवि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, उम्मीद हम यही करते हैं कि मदद हो परिवार की, क्योंकि ज़रूरत भी परिवार को है और अब तो और भी ज़्यादा। रवि तस्वीरें दो अलग अलग चल रही है इस समय टेलीविजन स्क्रीन पर, एक तस्वीर जब वो अंतिम यात्रा निकल रही थी और अभी क्योंकि मोक्षधाम पहुंच गए हैं तो वहां से भी तस्वीर आ रही है। रवि सलामनी, वहां की अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको बताया कि जो अंतिम यात्रा है वो अशोक नगर स्थित शमशान पहुंच चुकी है। हाँ। और जो लोग हैं, बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं और फिलहाल जो अंतिम संस्कार की जो अंत्येष्टि की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं और बड़ी तादाद में जो लोग हैं, स्थानीय जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं और अलग अलग विचारधाराओं के जो जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर हैं। उदयपुर सांसद मन्नालाल रावत यहाँ पहुंचे हैं और अंतिम यात्रा में वो शामिल रहे। उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन है, फूल सिंह मीणा है, उप महापौर और जो अन्य तमाम जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर इस अंतिम यात्रा में शामिल हुए और अभी वो जो है अंत्येष्टि के इस अंत्येष्टि स्थल पर अभी मौजूद है। बिल्कुल रवि, और तस्वीरें वही हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय चल भी रही है क्योंकि अभी जो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, संभवतः लगता है हलचल को देखकर क्योंकि क्रियाएं अब की जा रही है। रवि, और क्या जानकारी आप देंगे अपने ओर से इस खबर पर? बिल्कुल, देखिए जैद, ये जो पूरा घटनाक्रम है बेहद ही गंभीर था और इस घटनाक्रम ने तमाम ऐसे पहलू जो है उन पर विचार करने के लिए इस सभ्य समाज को मजबूर किया है। चाहे पारिवारिक की बात हो, चाहे परिवार की भूमिका की बात हो, ऐसी जो तमाम चीजें हैं उन पर एक बार फिर से विचार करने का मौका है। और दूसरी तरफ हमले को भी इस बात पर मंथन के लिए एक मौका है कि ये जो घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं ऐसा पहलू जिसको कि जिस पर अभी कार्रवाई करना बहुत जरूरी है ताकि भविष्य में और इस तरह की घटनाएं जो है वो ना पेश आए। और उनमें सबसे बड़ी बात, हालांकि राजस्थान पुलिस ने इस बात पर जो है जोर दिया कि एक तौर पर मेलों में और अन्य जगहों पर किसी भी तरह के सामान की इस तरह के जो धारदार हथियार है जो उनकी बिक्री नहीं होनी चाहिए, पाबंदी लगे। और ऐसे ही हालांकि शिक्षक जो है अपने आप में एक ऐसा पेशा होता है जो काफी सेंसिटिव होते हैं, संवेदनशील होते हैं अपने विद्यार्थियों को लेकर, अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन फिर भी उन्हें और सेंसिटाइज किया जाए। काउंसलिंग जो है वो बेहद जरूरी है। बच्चों का जो रोजमर्रा का जो उनका क्रियाकलाप है उस पर बहुत गंभीर से वो ध्यान रखें, उस क्रियाकलाप को मॉनिटर करें और इस तरह की व्यवस्था हो कि जो कोई बच्चा ऐसे दौर से गुजर हो, किसी तरीके से मानसिक चिड़चिड़ाहट अगर उसमें है, कोई मानसिक प्रॉब्लम अगर उसमें दिखाई देती है, उसके हाव भाव से पता चलता है, तो उसे तुरंत उसके परिवार की जाए, उससे खुद से बात की जाए, उसे मौका दिया जाए अपने मन की बात रखने का। अमूमन ऐसा होता है कि कई जगहों पर जो बच्चे हैं, जो बच्चे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स आज के दौर में है वो एडोलोसेंट के साथ में है। ये किशोर वय बच्चे जो है अपनी भावनाओं को अपने आप कुचित रखते हैं, भावनाओं को व्यक्त करने में घबराते हैं और कई बार इसी तरह की जो घबराहट है, इसी तरह की जो भावनाओं की अभिव्यक्ति जो नहीं कर पाना है, इस तरह की घटनाक्रमों का जिम्मेदार और कारण बनता है। तो ऐसे में हर किसी की, अभिभावक की भी अपनी बड़ी जिम्मेदारी है, समाज की भी है, लेकिन की भी बड़ी जिम्मेदारी है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा सेंसिटाइजेशन इन चीजों में दिखाए कि अगर कोई बच्चा इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहा है तो उससे बात कर, उसको इस बात का दिलासा, उस बात का भरोसा जताएं कि अगर वो अपनी बात शेयर करेगा तो उसको 100% जो है गोपनीय रखेंगे और उसका हर संभव जो निस्तारण है उस समस्या का वो करने की कोशिश करेंगे। परिवार के लोग भी उसमें अपनी भूमिका निभाएं, तब जाकर ये जो परिस्थितियां हैं
उनसे निजात मिलेगी। और जो भी अभी चूंकि जयती कुछ और चीजें जो है जिनका इंट्रोगेशन चल रहा है, कुछ और चीजें भी निकल कर सामने आ सकती हैं आने वक्त में, तो अगर कुछ और भी ऐसे एस्पेक्ट्स अगर सामने आते हैं तो उन पर भी गंभीरता से जरूरत है। सिर्फ इस केस तक उस चीज को सीखने की आवश्यकता नहीं रहनी चाहिए। इसके ये एक नजीर है कि इस तरह की घटना हुई है, तो इस नजीर से इस तरह के मैं कहूंगा जो एग्जाम्पल्स हैं ऐसे, उनसे प्रेरणा लेकर भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उनको लेकर अलग अलग एंगल पर अलग अलग डायमेंशन पर काम करने की जरूरत है, और वो होनी भी चाहिए। और वो एक सतत प्रक्रिया हो, इस तरह से नहीं कि जब जरूरत हुई तभी वो काम हुआ अब उसको भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। सतत प्रक्रिया जो है वो चलती रहनी चाहिए और उसके बाद ही ऐसी घटनाओं पर रोक लग सकेगी। प्रयास जो है सर्व समाज की ओर से किए जाने चाहिए, एक दूसरे का हित चिंतन जो है वो बेहद जरूरी है। ठीक है, ये तमाम जो वो चीजें हैं जो सभ्य समाज के लिए बड़ा आवश्यक अंग है और जिसको करने की बहुत जरूरत है। जी रवि, क्योंकि अंतिम सफर पर कभी कोई इंसान जब होता है तो फिर ये कहा जाता है कि भले ही किसी खुशी के काम में आप इतनी बड़ी तादाद में ना पहुंची वो चलता है, लेकिन जब किसी परिवार पर दुख है और उसमें अगर आपकी उपस्थिति है तो वो एक संबल प्रदान करता है। और आज की तस्वीर कम से कम परिवार के लोगों के लिए इसलिए तो संतोषजनक होगी कि उनकी इस दुख की घड़ी में पूरा समाज और उदयपुर शहर पूरा कह लीजिए उनके साथ है। कई जनप्रतिनिधि भी वहाँ पर मौजूद है रवि, कई बड़े चेहरे भी पहुँच रहे हैं आज इस दुख की घड़ी में परिवार के साथ। बिल्कुल जयती, देखिए किसी के दुख में शामिल होना और उस दुख को बांटना और उस दुख कम करने में सहायक बन पाना धर्म शास्त्रों में पुण्य का काम बताया गया है। तो ऐसे में ये और इसलिए पुण्य का कि किसी किसी व्यक्ति के आत्मा को शांति मिले, किसी व्यक्ति का दुख जो है वो साझा हो सके, उसका दुख कम हो सके, ये एक एक तरीके से नारायण की सेवा के रूप में माना जाता है। तो यही वजह है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो इस समय उस परिवार का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जो परिवार इस संकट की घड़ी से, दुख की घड़ी से गुजर रहा है, उस परिवार को कि कोई ऐसी समस्या ना हो, वो परिवार ये ना सोचे कि उनके साथ कोई नहीं है, और यही वजह है कि हर कोई उनके खड़ा हुआ है। तो ये इस भारतीय संस्कृति का ही एक अभिन्न पहलू है। और ये तमाम जो लोग हैं जो यहाँ पर इस अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में पहुंचे हैं या मौजूद है, चर्चा यही है कि जो परिवार है उसके आगे तो स्थितियां हैं वो अच्छी हो, इसको लेकर भी सब विचार कर रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, और जो शहर के हालात है वो ना बिगड़े, इस बात भी प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि हैं वो सेंसिटाइज हैं। तो कुल मिलाकर जो हालात हैं उनको ये बयां मुश्किल होता है कई बार, लेकिन हर कोई उस परिवार का साझीदार बनने के लिए यहाँ पर पहुंचा हुआ है, उसके दुख में सहयोगी बनने के लिए पहुंचा हुआ है। और ये जरूरी भी है क्योंकि जिस तरह का दुख एक बालक का चले जाना, एक ऐसे बालक का चले जाना जो घर चहचहाट का जिम्मेदार होता था, जो घर में हंसी मजाक का जिम्मेदार होता था, और वो अचानक से ऐसा बालक जो है उस परिवार से दूर चला जाए, उस दुख को समझना और सहना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे में हर व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है वो इसी भाव के साथ पर मौजूद है कि देवराज के परिवार के साथ खड़ा हुआ है, उनके माता पिता, उनके और जो परिवारजन है उनके साथ खड़ा हुआ है, और उनकी हर संभव मदद को सही चाहिए। बिल्कुल रवि, क्योंकि भावनात्मक तौर पर भी ये बहुत संवेदनशील इशू है, क्योंकि जब वो घायल था तभी से लोगों को अनिष्ट की आशंका थी परिवार के लोगों को, और वो प्रार्थनाओं का दौर लगातार उस समय शुरू कर रहे थे। हमें तस्वीरों के जरिए इस चीज़ को तो समझ पाने में आसानी है कि लोगों का हुजूम ये बता रहा है कि इस चीज़ को लेकर परिवार के साथ समाज खड़ा हुआ है। भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। चाकूबाजी में घायल छात्र देवराज जिंदगी की जंग हार गया, और ये मुश्किल इसलिए क्योंकि अब से कुछ देर के बाद
पंचतत्व में विलीन हो जाएगा देवराज, पीछे सिर्फ यादें रह जाएंगी, लेकिन कोशिश हमारी लगातार उन तस्वीरों के माध्यम से आपको ये समझाने की कि समाज में किस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है, किस स्वस्थ समाज को दर्शाने की जरूरत है, खासतौर पर इतने खूबसूरत उदयपुर शहर से।